अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। मैंने फैसला ले लिया, अबॉर्शन करने के लिए तैयार। अबॉर्शन करने के लिए तैयार। अमिता शायद ठीक कह रही है, अब अगर उसने ये फैसला ले लिया है तो हमें उसका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, है ना फाल्गुनी? अमित बेटा तुम एक काम करो, आज ही डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। अमित अपॉइंटमेंट मैं ले लेता हूँ, तू फिक्र मत कर। थैंक्स रोहन। ओहो देखो सब लोग अपना मूड ठीक कर लो। पूरे वक्त की खास बात यह होती है समधन जी कि वो बहुत जल्द चला जाता है। देखना अच्छा वक्त बहुत जल्द हमारे दरवाजे पे दस्तक देगा। हाँ बहुत जल्द देगा वो, बस भरोसा करना। चलो अब सब लोग हंसो तो, वरना पता नहीं किसका भाषण कितनी देर तक सुनना पड़ेगा। नानी जी सही कह रही है। सही कह रहे हो ना? तो चलो अब हम सब साथ बैठकर पिक्चर देखेंगे और पिक्चर भी अमिता की पसंद की होनी चाहिए। हाँ अमिता तुझे कौन सी पिक्चर पसंद है? डीडीएल जी। रिया रोहन तुम लोग पिक्चर लगाओ। हाँ रिया, तुझे रिजर्वेशन का बोर्ड नहीं दिखाई देता है? क्या क्या मतलब? तू जाके रोहन के पास बैठ, ये जगह अमित के लिए रिजर्व है ना अमिता? सॉरी बेबी। एक मिनट, अपने कोई बिल्कुल आवाज नहीं करेगा, मुझे ये फिल्म एकदम ध्यान से देखनी है। ये परीक्षा देनी है? परीक्षा की बात नहीं, वो क्या है अमिता, जब भी ये फिल्म के बारे में मुझसे बात करती है ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अब मैं चाहता हूँ कि फिल्म ध्यान से देखूं और आगे जब भी अमिता मुझसे इस फिल्म के बारे में कुछ बात करे तो मैं भी एक दो अच्छे से डायलॉग मारूं। हाँ हाँ रवा दो रवा दो। बस ऐसे ही हंसती रहे बेटा, कितनी अच्छी लगती है। मुझे नहीं खाने हैं पॉपकॉर्न। ये क्या मेरी पॉपकॉर्न खाने की उम्र रह गई है? ला ला मुझे दे, इस घर में सबसे छोटी बच्ची मैं ही हूं ना। बा, बा, तुमने सुना, मैं दादा बनने वाला हूं। नानी दादी ये दे। मुझे दादी, अरे ये क्या? तेरी बाँ ने तेरे बेबी के लिए मन्नत मांगी है, लल्ला जी का सोने का मुकुट है, खरीद के लाई है नया। अमित ये सब क्या है? ये पैरल पापी, फिर ये देख कि अमित अलग से ये सब। अरे होने वाली बेबी की तैयारी नहीं करनी है?
अमित अमिता बेटा जल्दी करो, नहीं ट्रैफिक में फंस गए तो अपॉइंटमेंट मिस करनी पड़ेगी। पापा हम तैयार। फाल्गुनी अब कितनी देर लगाओगी? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? एक तो वैसे ही सब लोग परेशान हैं, ऊपर से आप चिल्ला के मेरे सर में दर्द कर रहे हैं। मैं तो लोग लेट हो रहे इसलिए कह रहा हूँ बस। अगर 4-5 मिनट हम लेट हो गए तो कहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। मम्मी जी चलिए वरना सचमुच लेट हो जाएंगे। पापा चल। अमिता ये ले बेटा, हिम्मत से काम लेना, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। अमो कैसे बेटा? अमो तू ठीक तो है ना? अमित कुमार, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम अम्मू को आज ही वापस घर ले जा सकते हैं। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको वैसे भी हॉस्पिटल पसंद नहीं है ना, अब तो इसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे, है ना? हेलो अमिता, चलिए मेरे साथ आ जाइए, सब तैयारियां हो चुकी हैं। अमिता, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहां पे सबसे, मैं यही हूं आपके साथ हमेशा। और हाँ, और एक बात, आई लव यू। अमित अब हमें चलना चाहिए। चाहिए।
मर जाए। लाला जी की मर्जी के आगे नहीं चल सकती भला। मैं तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि हमें और अमिता को इस सदमे के बाहर निकलने की हिम्मत मिले। अरे लोग संभालिए अपने आपको। देखिए हमें हिम्मत रखनी होगी, पर अगर आप लोग ही हिम्मत हार जाएंगे तो अमिता को खुश कैसे रख पाएंगे? जो कुछ भी हो उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इससे हम आने वाली जिंदगी की खुशियां तो नहीं रोक सकते। फिर से मुस्कुराना होगा, और हम सब जानते हैं कि ये अमिता अकेला नहीं करता है, इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि प्लीज थोड़ी धीरज रखो। हमें अमिता की खुशी के बारे में इस वक्त सोचना चाहिए। कैसे भी करके अमिता को खुश रखना हो, बस ठीक हो? घबराने की कोई बात नहीं, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। अभी तुम्हें नीम का इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद हम अबॉर्शन शुरू करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुई की चुभन महसूस होगी, ठीक है? जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तुम आराम करो। चलो आंखें बंद करो। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। ऐसी बातें कर रही, बोलिए ना। मैं सोच रही थी कि इतना सब हो जाने के बाद अगर आप और अम्मू कहीं बाहर छुट्टियों के लिए चले जाते तो कैसा रहेगा? जगह नहीं रहेगी तो अम्मू को भी अच्छा लगेगा ना। हाँ जरूर जाएंगे, जहाँ तक मैं अमिता को जानता हूँ वो मेरा अकेले के साथ खुश नहीं है, पर आप सब लोग मेरे साथ चलोगे तो उसे ज़्यादा खुशी होगी। तो ये सब से हम सब लोगों को साथ में चलना चाहिए। मत, हाथ ढीला छोड़ो। घबराओ मत अमिता, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ अमिता, कुछ नहीं हुआ। हम सब हैं यहाँ पर अमिता। हाथ मत लगा,
मेरे ओके ओके रिलैक्स रिलैक्स, कोई कुछ नहीं करेगा, मेरा बच्चा ही नहीं होगा। काम जाओ ना अमिता, काम जाओ। अक्सर सर्जरी से पहले ऐसी नर्वसनेस होती है, नॉर्मल है। ये बच्चा है मेरा, मेरा बच्चा जिंदा है मेरे अंदर, मैं कैसे मार सकती हूँ उसे? ओके अमिता, लेकिन तुम क्या कर चुकी हो, तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे बेबी के लिए ठीक नहीं है डॉक्टर। लेकिन तुम किसी की जान है, मेरा पैसा है डॉक्टर, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। अमिता नेसर, नर्स जाने दो से। ओके अमिताभ, ना अमिताभ को अंदर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लेके बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अमिता आपके लिए जरूरी है ना, आपकी तबीयत पत्नी के लिए माँ बनना बहुत बड़ा सपना होता है, सपना टूटता है ना, बट उसके टुकड़े बहुत टूटते हैं, बहुत टूटते हैं। मेरी छत चली जाए ना, चलेगा, पर मैं अपने बेबी की जान नहीं ले सकती, फिर नहीं ले सकती, मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे ले चलिए। इसे नहीं कहते मम्मा, मैं आपके पेट में थी, आपके सामने ये सवाल आता, तो आप क्या करते? जवाब नहीं है ना मम्मा, किसी माँ के पास ये जवाब नहीं होता। अमित मुझे नहीं होगा, अमित ले चलिए प्लीज। आप समझने की कोशिश कीजिए, अब इतना दम घुटता है, अगर हमने अबॉर्शन नहीं करा बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। प्लीज अमिता समझिए। नहीं अमित, कुछ नहीं होगा, प्लीज मेरी बात समझिए। नहीं अमित, नहीं नहीं नहीं, तुझे बेटा कब ठीक हो जाएगा? मम्मा करेंगे। अबॉर्शन करने में उससे भी बड़ा रिस्क है अमित। अमिता इस समय अबॉर्शन के लिए दिमागी तौर से तैयार नहीं है, ऐसे में अगर हमने उसका अबॉर्शन कर दिया तो उसका असर या यूं कहें कि सदमा अमिता के दिमाग पर काफी हावी हो सकता है। इस समय मेरी सलाह यही है कि अमिता को सोचने के लिए कुछ और दिन देने चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसकी तबीयत का क्या? डोंट वरी अमित, मैं चेक कर लूंगी और अगर मुझे लगा कि कोई बात है तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। सुना ना आपने, अब तो ले चल सकते हैं ना, अमित प्लीज ले चल लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ नहीं रुकना, मुझे डर लगता है, मुझे चल चल।
मैंने सोच लिया, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अमिता क्या कह रही है बेटा, तुझे पता है ना तेरी जान को खतरा हो सकता है? पता है नानी, पर क्या ये बात से डर कर मैं वो बात भूल जाऊं जो आपने मुझे सिखाई थी? नानी जी, आप ही ने सिखाया था ना कि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती। मेरे अंदर भी जिंदगी पल रही है नानी, मैं उसे कैसे खत्म कर दूं? मामा, आप बताइए, जब मैं अतुल आपको होने वाले थे तब यही सवाल अगर आपके सामने उठता तो आप क्या करते? आप अबॉर्शन करवाते? अगर ऐसा सवाल मेरे सामने होता तो तभी मेरा जवाब वही होता जो आज तेरा है। तेरे लिए मैं अपनी ममता के आगे हार मान लेती हूँ और आज उसी ममता के सामने हार कर मैं तुझसे कह रही हूँ कि दामाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मम्मी जी, मुझे आप मम्मा को समझाइए ना, देखिए वो मेरी बात मान ही नहीं रही। समझना तुम्हें है अमिता, हम बुजुर्गों से ज्यादा चाह तुम्हारे बच्चे के लिए और किसी की भी नहीं है। तुम्हारी भी नहीं और अमित की भी नहीं। हाँ हमें ये बच्चा चाहिए अमिता, पर तुम्हारी कीमत पर नहीं। अमिता, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो बेबी तो तुम और अमित बाद में भी प्लान कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अमिता प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अभी बड़ों की बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। पल्लू सही कह रही है अमिता, वक्त आने पर राधे कृष्ण तेरी गोद में नन्ना फूल खिला देंगे। ये फैसला लेते हुए कोई भी खुश नहीं है, लेकिन ये फैसला लेना पड़ रहा है ना। देखिए मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बहुत परवाह करते हैं, बहुत चिंता है आप लोगों को मेरी, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, अबॉर्शन नहीं करूंगी। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊं, मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा, हर हाल में आएगा। अमित, अमित रुकिए। देखा तुमने, तुम्हारा फैसला तुमसे ज्यादा अमित के लिए मुश्किल। मैं समझाऊंगी अमित, वो जरूर मानेंगे। देखिए अमित, आपको पता है पहले के जमाने में ना पत्नियां अपनी सौतन से परेशान होती थी, लेकिन आजकल तो लैपटॉप से परेशान होती है। पति पत्नी से ज्यादा तो लैपटॉप पर ध्यान देते, कोई भी प्रॉब्लम हो बस लैपटॉप के सामने बैठ जाए। पत्नी से झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, लैपटॉप है ना। अमिता मुझे काम करने दीजिए प्लीज, अब जाइए यहाँ से। अमिता अगर मेरे जाने से आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है ना तो मैं जरूर चली जाती, लेकिन मेरे यहाँ रहने से आपकी परेशानी कम होगी। देखिए अमिता, अगर आप मजाक के मूड में हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे प्लीज काम करने दीजिए। अच्छा तो अगर मैं हॉस्पिटल में होती तब आप कैसे काम खत्म करते? अमिता अगर आप हॉस्पिटल में होती ना तो मैं इतना परेशान नहीं होता, मैं खुश होता कि राधा कृष्ण ने मेरी अमिता को लौटा दी।
अभी की तरह नहीं, हर पल बस परेशान। अमित, डॉक्टर सरोज डॉक्टर है, भगवान ने। अमित, कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता। हम कल की फिक्र करके आज क्यों डर डर कर जी रहे। वैसे कहाँ लिखा है कि मैं अगर बेबी को जन्म नहीं दूंगी तो मेरी जान नहीं जाएगी। हो सकता है कि रो रो के मेरी जान चली जाए। अमित, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मैं अगर बेबी को जन्म दूंगी तो मेरी जान चली जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मेरी जान जाने के चांसेस है। अमित, जान जाने के चांसेस कब नहीं होते। और अगर चांसेस की बात है ना, तो मैं अपने बेबी के लिए एक चांस देना चाहती हूँ। ऐसा मन, ऐसा विश्वास कहाँ से लाऊं? आप मेरे विश्वास हैं। मतलब? जब आप मुझे देखते हैं, अपने हाथों में मेरा हाथ लेते हैं, तो मुझे भी विश्वास होता है कि सब कुछ एकदम सही हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हो सकता। अमित, इससे पहले कई बार हमारे साथ बुरा हुआ, हमने कई बार बुरा समय देखा है ना, पर हम हमेशा जीते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा प्यार हमारे साथ है। अमित, इंसान हार सकता है पर प्यार, प्यार कभी नहीं। हमारा प्यार कल भी जीता था और आज भी जीतेगा। अमित, ये बेबी हमारे प्यार की निशानी और निशानी हमेशा खुशियां लेकर आती है, दुख कभी नहीं। काश साइंस पे इसी विश्वास पर चलता। मत, साइंस से बढ़कर भी एक ताकत है, प्यार की ताकत, विश्वास की ताकत। अब आप ही बताइए, क्या ये ताकत ने साइंस को कभी भी गलत साबित नहीं किया क्या? किया है ना? हाँ किया है। तो बस अपने चेहरे से ये उदासी को बाय बाय कही और खुशी को वेलकम कीजिए। और मेरे खाना है ना, वो सब ठीक कर देंगे। वर्षाबेन, मुझे लगता है हमें ना अमीदा की बात उसकी दादाजी से करवानी चाहिए। हो सकता है शायद वो ही उसे मना ले। उल्टा वो तो और उसी का साथ देंगे। सर पर चढ़ा के रखा है अम्मू को, कहेंगे कि जो अम्मू कह रही है ना उसे वही करने दो। पर हम अमिता को उसकी मर्जी का भी नहीं करने दे सकते, उसमें बहुत बड़ी रिस्क है। अगर आप लोग मेरी सेहत को लेके इतना स्ट्रेस लेंगे, ऐसे बैठक लगा कर बैठेंगे, तो आपको पता है आपकी तबीयत कितनी खराब हो सकती है। पता चले कि आप लोग मुझे नहीं, मैं आप लोग को संभाल रही हूँ। अगर तू हमारी इतनी फिक्र कर सकती है तो क्या हम तेरी फिक्र नहीं कर सकते? और अगर तुझे इतनी ही चिंता है तो हमारी बात क्यों नहीं मान लेती? क्योंकि कभी कभी हमारा विश्वास हमारी सोच पर हावी हो जाता है। मैंने और अमिता ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये चांस लेंगे। हम पापा मम्मी बनेंगे। बात कर रहे हो तुम, पागल वागल तो नहीं हो गए? मम्मी, मैंने बहुत ही सोचा, उसके बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम ये चांस लेकर ही खुश रहें।
ना कि अबॉर्शन करा कर। और जहाँ तक अमिता की सेहत का सवाल है, हम सब हैं अमिता का ध्यान रखने के लिए। हम अच्छे से अमिता का ध्यान रखेंगे और अमिता को पूरा विश्वास है अपने आप पर कि अमिता और बेबी दोनों को कुछ नहीं होगा। और मुझे अमिता के विश्वास पर पूरा भरोसा है। आगे ऊपर वाले की मर्जी। ये करी ना सच्चे समझदारों वाली बात तुम दोनों ने। अरे मम्मी आप ही ना, बजाय इसके कि आप इन दोनों को समझाएं, आप इन दोनों को बढ़ावा दे रही हैं। अरे सच ही तो कह रहा है, मुझसे तो ये अमिता का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, पर हाँ मैं आप सबसे एक वादा करती हूँ कि मेरे ध्यान रखने के लिए, मेरे तबीयत के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगी। पर प्लीज मुझे चांस लेने दीजिए, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बेबी के साथ और आप सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। प्लीज एक मौका दे दीजिए। बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।